ओके दोस्तों, तो एशिया कप 2023 का सुपर फोर का मैच नंबर फोर खेले जाने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कल का मैच अगर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर एशिया कप के पॉइंट टेबल पे खुद को नंबर वन पे रखा है। वहीं दोस्तों अगर बात करूं श्रीलंका की टीम की ना, तो श्रीलंका की टीम भी कुछ टाइम से अनबीटेबल चल रही है ओडीआई मैच पे। लगातार 13 मैच दोस्तों श्रीलंका की टीम जीत कर आ रही है। तो इस वाले मैच पे क्या टीम इंडिया श्रीलंका को उसके होम ग्राउंड पे हरा पाएगी? बाकी दोस्तों अगर आप लोग इस मैच पे अपने लिए फैंटेसी की टीम बनाने की सोच रहे हो तो कैसे आप लोगों ने टीम बनाना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन से प्लेयर लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है जो कि इस मैच में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन सा ऐसे हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है जो कि आप लोगों ने इस मैच पे ड्रॉप करके चलना है, कैप्टन किसे करना है, वाइस कैप्टन किसे करना है, पिच का बिहेवियर आज के इस मैच पे क्या रहने वाला है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लेइंग 11 हेड टू हेड मैचअप्स की आप लोगों को इस वीडियो पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और इस वीडियो पे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक 50,000 रुपीस का कैश अवार्ड भी है, जिसके लिए आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा दोस्तों। उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे पक्का से दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ज्वाइन नहीं किया है, तो सभी भाइयों से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज फाइनल अपडेटेड टीम प्लेइंग 11 के बाद वेदर कंडीशंस को देखते हुए और एक बार लाइव पिच रिपोर्ट को सुनने के बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा विद कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। साथ ही साथ बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे फ्री गिव अवेज मिलते हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों ने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू पे पिच के बिहेवियर को। एक खास बात है दोस्तों इस पिच की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो रिसेंटली यहां पर काफी मैचेस खेले गए और हर मैच पे एक कॉमन चीज ऑब्जर्व है। क्या है वो कॉमन चीज, उसे देखो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों यहां पर मैच हुआ 26/8/2023 को। पाकिस्तान की टीम ने 268 रन बनाए और अफगानिस्तान की टीम इस रन को चेस करते हुए 209 पे ऑल आउट हो गई। हुआ क्या, फर्स्ट इनिंग्स पे 5 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर को, सेकेंड इनिंग्स पे 4 विकेट पेसर को और 6 विकेट स्पिनर को। मतलब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इनिंग्स पे पेसर को ज्यादा विकेट मिले हैं स्पिनर के मुकाबले में, और सेकेंड इनिंग्स पे दोस्तों पेसर को कम विकेट मिले हैं और स्पिनर को ज्यादा विकेट्स मिले हैं, दिख रहा है बिल्कुल। और सेकेंड इनिंग्स पे दोस्तों 10 के 10 विकेट निकले हैं और टीम रन को चेस नहीं कर पाई है। अब सेकेंड मैच में क्या हुआ उस बात को देखो। सेकेंड मैच दोस्तों यहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला गया 9/9/2023 को, रिसेंटली अभी खेला गया। श्रीलंका की टीम ने 257 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे और बांग्लादेश की टीम 236 रन ही बना पाई और पूरे 10 विकेट निकले। दोबारा से दोस्तों यहां पर रन चेज नहीं हो पाया और सेकेंड टीम के 10 के 10 विकेट निकले। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट इनिंग्स पे 8 विकेट पेसर को मिले थे, 1 विकेट स्पिनर को मिला था, मतलब पेसर का डोमिनेंस रहा फर्स्ट इनिंग्स पे। सेकेंड इनिंग्स में क्या हुआ, 6 विकेट पेसर को मिले और 4 विकेट स्पिनर को मिले, मतलब अब स्पिनर को भी विकेट्स मिलने लगे सेकेंड इनिंग्स पे, क्लियर। रीसेंट मैच दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहां पर खेला गया, और अगर आप लोगों ने मैच को देखा था तो आप लोगों ने देखा था कि कुलदीप यादव की बॉल बहुत अच्छे स्पिन हो रही थी दोस्तों यहां पर। हुआ गया, इंडिया की टीम ने 256 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पे, बट
पाकिस्तान की टीम दोस्तों इस रन को चेस करने आई तो पूरी टीम ही आउट हो गई क्योंकि दो प्लेयर उनके इंजर्ड थे, हरीश रऊफ और नसीम शाह, जो कि बैटिंग करने नहीं आए। बाकी यहां पर देखो जो 8 विकेट निकले उसमें 3 विकेट पेसर के थे और 5 विकेट यहां पर स्पिनर के थे। मतलब स्पिन यहां पर डोमिनेट करता है सेकेंड इनिंग्स पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इनिंग्स पे पेसर का ही दबदबा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो भी टीम यहां पर चेस करने आती है ना वो टीम यहां पर ऑल आउट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों आर प्रेमदासा स्टेडियम का पिच इनिशियली अच्छा बिहेव करता है, बट जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है पिच स्लो हो जाती है और यहां पर स्पिन का दबदबा शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो अब इसी फैक्ट को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने अपने लिए फैंटेसी की टीम बनानी है। बाकी क्या रहने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो शायद ही आप लोगों को कुछ चेंजेस दिखेंगे क्योंकि पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट हो गई तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे विराट कोहली आते हैं, फिर केएल राहुल आएंगे, उसके बाद ईशान किशन, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, फिर बॉलिंग वाले सेक्शन से शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बात करूं श्रीलंका की टीम की तो यहां पे पाथुम निशंका और दिमुथ करुणारत्ने आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे कुशल मेंडिस आते हैं, फिर समरा विक्रमा आते हैं, फिर चरित्र असलंका आते हैं, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से दोस्तों यहां पर धनंजय डिसिल्वा, दाशुम शनका और दुनित वेल्लजी आते हैं, उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन पे महेश थिक्सेना, कसुन राजिता और मतीशा पथिराना आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडेक्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो आप लोगों को एक बात बता दूं, इस एशिया कप पर अभी तक ट्रेडेक्स ऐप पर मैंने 15 से ज्यादा प्रेडिक्शंस दिए हैं और सारे 15 के 15 प्रेडिक्शन करेक्ट है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पक्का से देखिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ट्रेडेक्स ऐप का लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को पक्का से डाउनलोड कीजिएगा। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी के टाइम पे लाइव पे भी क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन आता है इंडिया टू विन पे, आप लोग यस करके चल सकते हो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से इंडिया का बैटिंग लाइनअप अभी फॉर्म पर है ना, इस मैच को इंडिया ही विन करने वाली है। क्लियर? बाकी अगर यहां पर देखोगे एनी बैटर फ्रॉम इंडिया टू बी टॉप रन स्कोरर, बिल्कुल यहां पर भी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग खेल सकते हो। क्लियर? तो नीचे दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ट्रेडेक्स ऐप का लिंक मिलेगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों ने टीम क्रिएट करना नहीं है, यहां पर आप लोगों ने बस अपना ओपिनियन देना है यस और नो पे। और ये ऐप लिमिटेड नहीं है क्रिकेट तक दोस्तों, हर स्पोर्ट्स पे, पॉलिटिक्स पे, न्यूज पे, एंटरटेनमेंट पे, शेयर मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी पे, किसी भी फील्ड पे आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग यहां पर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है दोस्तों। और एक खास बात है, अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो ना तो आप लोगों को यहां पर इंडिया के मैचेस पे कमीशन देने की जरूरत ही नहीं है, ऐप कोई कमीशन नहीं लेगा आप लोगों से। बाकी जगह खेलोगे ना 20% कमीशन लेता है ऐप, यहां पर फ्री पे खेल सकते हो अगर मेरे दिए गए लिंक के ऐप से ऐप को डाउनलोड करोगे। बाकी GET20 कोड को यूज कर लेना, आप लोगों को फर्स्ट टाइम बिना किसी डिपॉजिट के सिर्फ ऐप को डाउनलोड करने के 20 रुपए रियल के मिलेंगे। तो सभी लोग जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन से ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाला सेक्शन कैसे रहने वाला है। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से टीम इंडिया से केएल राहुल और ईशान किशन खेलेंगे। वहीं बात करूं श्रीलंका की टीम की तो श्रीलंका की टीम से यहां पर कुशल मेंडिस खेलते हुए दिखेंगे। केएल राहुल की अगर मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस देखोगे 7 रन, फिर 75 रन, फिर 9 रन, फिर 32 रन, फिर कल के मैच में शानदार 111 रन। हेड टू हेड दोस्तों 8 मैच खेल चुके हैं, 41 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 111 का है। वेन्यू पे 2 मैच खेल चुके हैं, 118 का एवरेज है क्योंकि कल के मैच में नॉट आउट गए थे 111 रन।
तो हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोस्तों केएल राहुल का अच्छा है, जिस तरह से खेल रहे थे उस हिसाब से भी लग रहा है कि अच्छे निक पर है अभी के टाइम पे। एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे दोस्तों, आप लोग टीम पर लेकर ही चलिएगा। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं तो ईशान किशन को देखो 55 रन, 77 रन, 82 रन, उसके बाद दो मैच में इन्हें बैटिंग नहीं मिला है। बाकी हेड टू हेड दोस्तों दो मैच पे 30 का इनका एवरेज है, वेन्यू पे तीन मैच पे 30 का एवरेज है। अच्छा, अब केएल राहुल के साथ एक और एडवांटेज है, क्या है एडवांटेज बताओ मुझे। केएल राहुल के पास एडवांटेज ये है कि दोस्तों टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग भी केएल राहुल ही कर रहा है, तो विकेट कीपिंग पे जो स्टंपिंग मिलेंगे, कैचेस मिलेंगे, रनआउट मिलेंगे, तो उन सब के पॉइंट्स भी केएल राहुल को एक्स्ट्रा मिलते हैं, प्लस ईशान किशन से ऊपर भी खेलने आते हैं। क्लियर? इसीलिए विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से मैं केएल राहुल को पिक करके चलूंगा। ईशान किशन को आप लोग चाहो तो मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कर सकते हो। कुशल मेंडिस की अगर मैं बात करूं तो इनका फॉर्म देखो 34, 43, 5, लास्ट के दो मैच से 92 और 50 रन। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत खराब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने 9 मैच खेले हैं हेड टू हेड जिसपे सिर्फ 20 का इनका एवरेज है। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ रन एक इनिंग्स में बनी थी। क्लियर? बाकी 8 मैच में ये कंप्लीट फ्लॉप रहे हैं, अंडर 10 फिगर पे आउट हुए। वेन्यू पे दोस्तों बट रिकॉर्ड अच्छा है, 12 मैच में 54 का इनका एवरेज है, 56 बार बना चुके हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो क्योंकि देखो हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, वेन्यू का रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कुशल मेंडिस को दोस्तों आप लोग डिफरेंशियल पिक कीजिएगा। दो टीम बनाओगे तो एक टीम पे ड्रॉप कीजिएगा, एक टीम पे ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से खेला तो फ्लॉप हो जाएगा, अगर वेन्यू के रिकॉर्ड के हिसाब से खेला तो चांसेस है कि चल जाए, बट ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि फ्लॉप ही होगा। इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा, बिकॉज वेन्यू रिकॉर्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड को देता हूं, और दो मैच से चलकर आ रहा है, इस मैच में चलने की प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है। वैसे 31 का एवरेज है और अभी के टाइम पे एवरेज शूट ही कर रहा है, अगर आप लोग लास्ट के 5 मैच का रिकॉर्ड देखोगे तो। रिस्क टेकर्स ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क नहीं है तो टीम पर लेकर चलना, क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज काफी हाई है। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों यहां पर टीम इंडिया पे आप लोगों को रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों आप लोगों को श्रीलंका के टीम पे पाथुम निशंका, दिमुथ करुणारत्ने, समरा विक्रमा और चरित्र असलम का खेलते हुए देखते हैं। यहां देखो दोस्तों रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को देखो, 30, 12, 11, फिर नेपाल के अगेंस्ट 74 रन, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट 56 रन इन्होंने बनाए। बाकी वेन्यू पे 10 मैच खेला है जिसपे 28 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 104 का है, हेड टू हेड 49 मैच में 46 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 264 का है। दोस्तों 264 का बेस्ट स्कोर इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट ही बनाया। शुभमन गिल की मैं बात करूं तो 34 रन, 85 रन, 10 रन, फिर 67 और 58 रन, बाकी हेड टू हेड 3 मैच में 69 का एवरेज है। शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है श्रीलंका के अगेंस्ट, बाकी वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसमें इन्होंने 58 रन बनाए थे। तो शुभमन गिल दोस्तों एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, इनका वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। सेम अप्लाई होता है दोस्तों विराट कोहली के साथ, 50 मैच पे अगेंस्ट श्रीलंका 64 के एवरेज से खेलते हैं, वेन्यू पे 9 मैच पे 118 के एवरेज से खेलते हैं। क्लियर? सेम हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। विराट कोहली भी एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, मतलब शुभमन गिल और विराट कोहली को आप लोगों ने टीम पर पिक करके चलना है। बाकी रोहित शर्मा मेगा ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे, डिफरेंशियल आप लोग पिक कर सकते हो, बट मैं अपने स्मॉल लीग के टीम पर ड्रॉप ही करके चलूंगा। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर पाथुम निशंका की, तो 104 रन, फिर 23 रन, फिर 14 रन, फिर 41 और 40 रन। टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, एक मैच खेले हैं जिसपे इन्होंने 72 रन बनाया है, वेन्यू पे 4 मैच खेले हैं जिसपे 48 का इनका एवरेज है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों श्रीलंका के टीम से, इस बात को ध्यान रखिएगा। दिमुथ करुणारत्ने की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कुछ खास नहीं किया है, 30 रन, 83 रन, 1 रन, 32 रन, 18 रन, 47 मैच पे 33 का एवरेज है, हेड टू हेड एक मैच खेला है जिसमें 10 रन बनाया है, वेन्यू पे भी 4 मैच पे 28 का एवरेज है। कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना है तो किया जा सकता है, वैसे स्टैटिस्टिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे। सदीरा समरा विक्रमा,
इस प्लेयर को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक पंट पिक बन सकता है लो सिलेक्शन परसेंटेज में। क्यों, इस बात को देखो, यहां पर देखोगे तो इंडिया के अगेंस्ट एक मैच में 42 का इनका एवरेज है। वेन्यू पे देखो दोस्तों, दो मैच खेले हैं इन्होंने और दोनों मैच में इन्होंने 50 प्लस की पारी खेली है। क्लियर, यहां देखो अभी रीसेंट फॉर्म देखोगे तो 54, 3 और 93 रन बनाकर आ रहे हैं। ओडीआई पे दोस्तों 20 मैच पे 34 का इनका एवरेज है, मतलब लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर। अगर आप लोग देख रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए तो आप लोग यहां पर सदीरा समरा विक्रमा को ट्राई कर सकते हो। बाकी बात करूं दोस्तों चरित्रा श्रीलंका का, वेन्यू रिकॉर्ड तो अच्छा है, 10 मैच में 52 का इनका एवरेज है, 50 तीन बार और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं, पर टीम इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस खास नहीं है, 6 मैच में 27 का एवरेज है, रीसेंट परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करके चला जा सकता है। तो यहां से श्रीलंका के बैटिंग लाइनअप पे पाथुम निशंका और सदीरा समरा विक्रमा, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर लग रहे हैं अभी के टाइम पे। क्लियर है, अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर टीम इंडिया पे आप लोगों को हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा दिखेंगे। हार्दिक पांड्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग अगर मिला तो ये बैटिंग पे भी तबाही ला सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो 14 मैच में 13 का एवरेज है, 12 विकेट है, वेन्यू पे 5 मैच खेले हैं, 12 का एवरेज है और 5 ही इनके विकेट्स है, तो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रीसेंट 5 मैच का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहां फ्लॉप है, यहां अच्छा है, फिर यहां अच्छा है, फिर यहां फ्लॉप, फिर यहां फ्लॉप, यहां फ्लॉप क्या बोलेंगे आप, बैटिंग ही नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली फ्लॉप ही हो गए। क्लियर, बट मेरे हिसाब से स्टिल एक मस्ट पिक प्लेयर है, जिस तरह से इन्होंने बाबर आजम को बोल्ड मारा था, बॉल दोस्तों अनप्लेएबल थी। क्लियर, बाकी रविंद्र जडेजा सेकेंड इनिंग्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स पे मैंने आप लोगों को बोला है कि यहां पर बॉल घूमेगी, अगर बॉल घूमती है तो रविंद्र जडेजा यहां पर अच्छा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा ही करते हैं, 28 मैच में 43 का एवरेज है, 25 विकेट है, 50 एक बार है और 4 विकेट होल्ड भी 2 बार है। क्लियर, इसीलिए रविंद्र जडेजा भी दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी श्रीलंका की टीम से दोस्तों आप लोगों को धनंजय डिसिल्वा, दाशुन शनका और दुनित वलेजी दिखेंगे। धनंजय डिसिल्वा की अगर मैं बात करूं, अभी तक सीरीज कुछ खास नहीं गया है दोस्तों इनके लिए, यहां फ्लॉप थे, यहां फ्लॉप थे, यहां फ्लॉप थे, यहां 2 विकेट निकाले, फिर यहां से दोबारा फ्लॉप थे। ओडीआई मैच में 79 मैचेस पे 27 का इनका एवरेज है, हेड टू हेड देखोगे तो 6 मैच में 24 का एवरेज, 4 विकेट है, वेन्यू पे 15 मैच में 23 का एवरेज है और 10 विकेट है, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेशली सेकेंड इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट बनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा सेकेंड इनिंग्स पे। क्लियर, फर्स्ट इनिंग्स में शायद उतना इंपॉर्टेंट ना बने, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कराएंगे तो स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं है, बट हाँ सेकेंड इनिंग्स पे दोस्तों यहां पर स्पिन एक्शन पे आएगा तो एक इंपॉर्टेंट पे बन सकते हैं सेकेंड इनिंग्स पे। क्लियर, दाशुन शनका लास्ट मैच में दोस्तों 3 विकेट निकाले थे इन्होंने, 24 रन भी बनाए थे, जनरली विकेट कम ही निकालते हैं, इंडिया के अगेंस्ट देखोगे तो 6 मैच में 35, हाँ इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग अच्छा करता ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंडिया के अगेंस्ट दाशुन शनका बैटिंग अच्छा करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां देख लो 6 मैच खेले, 35 का एवरेज और एक बार सेंचुरी बना चुके हैं। ठीक है, वैसे रोहित शर्मा इसे आउट कर सकते थे जब ये सेंचुरी के लिए भाग रहे थे ना, तो रन आउट हो सकते थे, बट बॉल नहीं मारा गया था विकेट में। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा, बैटिंग अच्छा करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, बॉलिंग पे तो उतना कुछ खास नहीं है, 6 मैच में 3 ही विकेट है, एक ट्रंप पिक की तरह आप लोग यूज कर सकते हो। दुनित वलेजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये सेकंड इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे टीम इंडिया के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, 3 मैच में 11 का एवरेज है, 0 विकेट है, वेन्यू पे 4 मैच में 8 का एवरेज है और 6 विकेट है। क्लियर, बट टीम इंडिया के अगेंस्ट उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, दुनित वलेजी सेकंड इनिंग्स पे स्टिल ट्राई करेंगे, मतलब अगर श्रीलंका की टीम सेकंड इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो हम लोग यहां से धनंजय डिसिल्वा और दुनित वलेजी इन्हें ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग्स पे अगर श्रीलंका की टीम आती है तो उस केस पे आप लोग यहां पर दाशुन शनका को एज अ पंट पिक ट्राई कर सकते हो, और वो भी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे, लेकिन उससे पहले आज के गिव अवे का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को दे सकता है पूरे 50,000 रुपए। आप लोगों ने मुझे बताना है दोस्तों आज के इस मैच पे हार्दिक पांडे कितने रन बनाएगा, अगर आप लोगों को लगता है 25 रन बनाएगा, प्लस कितने विकेट लेगा, अगर आप लोगों को लगता है 2 विकेट देगा 40 रन देकर, तो ऐसे आप लोगों ने लिखना है। क्लियर, जिसका जवाब एग्जैक्ट सही जाता है
वो यहां पर 50,000 रुपए का कैश अवार्ड विन कर सकता है। बाकी आ जाओ दोस्तों आप बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन पे शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा बॉलिंग नहीं डालते हैं, क्लियर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का जो ओवर है देखो, तीन तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन तीनों ने तो अपने पूरे ओवर डालने हैं। बाकी जो बचते हैं 20 ओवर वो शेयर किया जाता है हार्दिक पांडे, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा के बीच में। रविंद्र जडेजा फटाफट अपना 10 ओवर निकाल के कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, इसीलिए शार्दुल ठाकुर को दोस्तों यहां पर आप लोगों को 4 से 6 ओवर ही करते हुए दिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए विकेट तो इन्हें मिलते हैं बट ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगा, इसी बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस कल के मैच में सेम वेन्यू पे 5 विकेट का था, मस्ट पिक प्लेयर होंगे दोस्तों, टीम पर लेकर ही चलिएगा, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, बाबर आजम को पता ही नहीं चल रहा था बॉल जा कहां रही है, मतलब ऐसा एक तो होता है कि निक से आप बच रहे हो, दूसरा होता है कि आपका बैट और बॉल के बीच में अगर 6 इंच का अंतर है ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, आपको पता नहीं है कि बॉल किस तरफ घूमने वाली है। सेम कंडीशन कल बाबर आजम की थी, जसप्रीत बुमराह के बाद इंजरी से आए थे, स्टिल जबरदस्त बॉलिंग किया था दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने और बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। तो यहाँ पे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह मस्ट पिक प्लेयर है, मेगा ग्रैंड लीग पे लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर मोहम्मद सिराज बन सकते हैं, स्पेशली टीम इंडिया अगर फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इस बात को नोट डाउन करके रखिएगा। हेड टू हेड दोस्तों 3 मैच पे 9 विकेट है इनके पास, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, और सिलेक्शन परसेंटेज इनका कम है, मेगा ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल प्लेयर बनेंगे अगर टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बाकी बात करूं यहाँ पर महेश थिक्सेना की तो सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, वेन्यू पे देख लो 5 मैच में 10 विकेट है, 4 विकेट होल्ड भी कर चुके हैं, यहाँ पर देखो 4 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, अभी अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं। कासुम रजीता दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो 5 मैच पे टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, फर्स्ट इनिंग्स में अगर श्रीलंका की टीम बॉलिंग करने आए तो आप लोग ट्राई दे सकते हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, सेकेंड इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मतीशा पतिराना की अगर मैं बात करूं तो सेम 3 विकेट निकाले वेन्यू पे इन्होंने 1 मैच पे, सेम कंडीशन, फर्स्ट इनिंग्स पे इंपॉर्टेंट, सेकंड इनिंग्स पे ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई रहेगा। इनफैक्ट मतीशा पतिराना के ऊपर आप लोग मोहम्मद सिराज को प्रायोरिटी दे सकते हो मेगा ग्रैंड लीग पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अभी के टाइम पे जो टीम है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर केएल राहुल और कुशल मेंडिस है, ये एक सेफ साइड की टीम है, ठीक है ना, यहाँ पर विराट कोहली और शुभमन गिल है, बाकी यहाँ पर रविंद्र जडेजा, धनंजय डिसिल्वा और हार्दिक पांडे है, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, महेश थिक्सेना और मतीशा पतिराना है। अब जो ये प्लेयर दिख रहे हैं ना, यहाँ आप लोगों को इन 11 प्लेयर्स में से आप लोग मान के चलो कि लगभग 7 से लेकर 8 प्लेयर ये इतने आपके आ जाएंगे किस पे, ड्रीम टीम पे आ जाएंगे इजिली, 7 से 8 प्लेयर। बाकी इन प्लेयर में से आप लोगों ने, इन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख रहे हैं इनमें से आप लोग 8 प्लेयर चूज कीजिएगा और 3 उन प्लेयर को चूज कीजिएगा जिन्हें मैंने आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट बताया है, फिर टीम बनाइएगा आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के लिए। ये एक स्मॉल लीग की टीम है, मोस्टली ऐसा ही कुछ टीम लेकर चलेंगे, क्लियर। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, कैप्टन का कंटेंडर दोस्तों विराट कोहली रहता है, वाइस कैप्टन का कंटेंडर दोबारा से शुभमन गिल रहेगा, बाकी टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आई तो यहां पर आप लोगों के लिए जसप्रीत बुमराह भी कैप्टन, जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव, ये आप लोगों के लिए सीवीसी के कंटेंडर रह सकते हैं, हो सकता है कि टीम श्रीलंका यहां पर ज्यादा बड़ा स्कोर ना कर पाए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ट्रेडेक्स ऐप को अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक का ऐप है, ऐप का लिंक है, क्लियर, ऐप को पक्का से डाउनलोड कीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल पे आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है तो आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।